हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल एज के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने वीवो वी इलेवन प्रो मोबाइल में या फिर वीवो के किसी भी मोबाइल में पोको लॉन्चर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा, पोको लॉन्चर जो है कि सिर्फ आप एम आई के ही फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। बट मैं आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप अपने वीवो के फ़ोन में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और अच्छे से वर्किंग भी करेगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले मैंने आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहाँ से आपको डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद उसको कर लेना है इंस्टॉल। तो मैं आपको डायरेक्टली सेटअप बाय सेटअप करके सारा कुछ दिखा देता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। अभी वेट किस जगह ये हैगा, देखिए देखिए इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आपको इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद में आपको क्या करना है, इसको ये इंस्टॉल हो चुका है, डन कर देना। उसके बाद इसको कट करके आपको अपने सेटिंग्स में चले जाना है फ़ोन की, और वहाँ पे जाके आपको चले जाना है लास्ट में नीचे, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा मोर सेटिंग का ऑप्शंस, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे मिल जाएगा परमिशन मैनेजमेंट, इस पर ओके कर देना है। आपको लास्ट में चेक करेंगे डिफ़ॉल्ट ऐप सेटिंग्स, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको सेकंड नंबर पे आपको यहाँ पे होम स्क्रीन लिखा हुआ मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना और यहाँ से अपना पोको लॉन्चर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद इस डायरेक्टली ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, और स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको वॉलपेपर सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो आप यहाँ पे पोको का ही वॉलपेपर सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको अपने वीवो फ़ोन का वॉलपेपर भी मिल सकता है। तो आप मैं सिंपली पोको का ही क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से अलाउ कर देता हूँ। अलाउ करने के लिए उस बाद यहाँ पर आपको अपना लॉन्चर सेलेक्ट कर लेना है, जो कि पोको लॉन्चर है, इस पर क्लिक कर देना है और अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ से बैक हो जाना है, फिर यहाँ से अलाउ परमिशन इसको भी अलाउ कर देना है, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका लॉन्चर अच्छे से सेटअप हो चुका है। अभी मैं आपको आइकन भी दिखा देता हूँ इसके, तो आप देखेंगे कि सारे आइकन जो है बिल्कुल पोको जैसे हो चुके हैं, पोको जैसे क्या हो चुके हैं, सेम पोको भी बन चुका है हमारा फ़ोन। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे स्क्रीन पे थोड़ी देर दबाए रखेंगे तो आपको यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, विजेट का ऑप्शन मिल जाएगा। एंड तो आप सेटिंग में चल के देख लेते हैं क्या क्या है इसकी। तो यहाँ पे आपको देखिए, जैसे कि एम आई के मोबाइल में मिलता है, जो जो सिस्टम मिलते हैं आपको, ट्रांजिशन इफेक्ट, सेट डिफ़ॉल्ट और फिली एम्प्टी कॉल्स, मतलब कि जो जो आपको मिलने हैं। और यहाँ पे आप जो आइकन रहते हैं होम स्क्रीन के, उनको भी लॉक कर सकते हैं, हाइड ऐप्स आइकन भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हाइड ऐप्स पर क्लिक करने के लिए आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट भी यूज़ कर सकते हैं आप। मैं फिंगरप्रिंट लगा के दिखा देता हूँ, और देखिए यहाँ पे उसके बाद आप यहाँ पे पासवर्ड भी डाल सकते हैं। मैं पासवर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से उसके बाद आप यहाँ से कोई भी एक ऐप्स चूज़ कर सकते हैं। मैं बैक हो जाता हूँ, और यहाँ से कोई भी ऐप सेलेक्ट कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं। तो देखिए 2 सेकंड का ऐड दिया है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे इसको बैक कर दिया मैंने। तो देखिए मैं अभी आपको यहाँ पे हाइड वाले आइकन भी मिल जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे मोर का भी ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आइकन पैक भी सिलेक्ट कर सकते हो आप, जैसे कि मान लीजिए अपने सिस्टम के लगाए हैं तो पोको के लगा सकते हो, या फिर कोई भी डाउनलोड करने के बाद आप यहां से ला सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो यूआई के सिस्टम या पोको के ड्रीम, मतलब कि जो भी लगाना चाहे लगा सकते हो। यहां से आइकन पैक डाउनलोड करके वो भी चेंज करते हो, ये काफ़ी अच्छी बात है फ्रेंड, क्योंकि लॉन्चर तो मिलता ही है बट अपनी पसंद के आइकन मिलना भी बहुत अच्छी बात रहती है, ठीक है। और उसके बाद मैनेज ग्रुप भी बना सकते हो आइकन का, जितने ग्रुप रहते हैं कि कौन से ऐप्स किस ग्रुप में रखना है, स्क्रॉल बार चेंज कर सकते हो आप अपने हिसाब से A to Z, या फिर ठीक है। और यहाँ पे ऐड इंस्टॉल ऐप्स, होम स्क्रीन ऑटोमेटिकली, मतलब कि अगर आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो वो तो वो ऑटोमेटिकली होम स्क्रीन पे आ जाएगी, तो ये भी अच्छा ही ऐप है। तो और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे वायरस स्कैन करने का भी सिस्टम अच्छे से दिया गया है। देखिए इस पर क्लिक किया, और यहाँ से जितना भी आपकी मेमोरी थी वो क्लियर हो जाता है, डेटा चैच क्लियर वगैरह जो भी रहता है वो सारा कुछ यहाँ से डिलीट हो जाएगा, और जिससे कि आपको फ़ोन काफ़ी अच्छा चलेगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।